डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अगर UPITI में आवेदन किया था और आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट नहीं मिल पाई है, किसी भी ट्रेड में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो आपका एडमिशन कैसे होगा? थर्ड राउंड का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट से पहले आपको क्या अपडेट करना है कि आपको जो है कोई भी सीट अलाट हो जाए? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को मिलने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, यहाँ से आप देख सकते हैं कि संपूर्ण जानकारियां यहीं पर शो करता है। इसकी जो रिजल्ट की यहाँ पर डेट बताई गई है, अभी जो सेकेंड राउंड का है, यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन ITI फॉर एडमिशन 28/8/2024। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 28/8/2024 बताई गई है। सेकेंड राउंड अलाटमेंट रिजल्ट फॉर गवर्नमेंट ITI एडमिशन 2024 28 अगस्त तक इसमें एडमिशन सेकेंड राउंड का होगा। 28 अगस्त के बाद में ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, फिर थर्ड राउंड के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो सीटें बचेंगी उनके लिए पूरी तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा। जो सीटें बच जाएंगी फिर आपसे फॉर्म करेक्शन के लिए मांगा जाएगा। जैसा कि जो आपका थर्ड राउंड आएगा, थर्ड राउंड रिजल्ट आने से पहले आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। जो आपने वहां पर च्वाइस की है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ITI सेलेक्ट किया है, गवर्नमेंट ITI में जो आपने ट्रेड चुना है, जैसे कि फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या कोई भी आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन आपको उन ट्रेडों में से कोई भी सीट अलाट नहीं हुई है, तो आप लोगों को यहां पर एक करेक्शन का मौका मिलेगा। इस करेक्शन में आपने जो सीटें पहले से सेलेक्ट की हैं उनमें से आप कम भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट ITI को बढ़ा भी सकते हैं, ट्रेडों को जोड़ सकते हैं। ये बड़ा अवसर आपको तीसरा रिजल्ट आने से पहले मिलेगा, जहाँ से आप लोग इसे अपडेट कर पाएंगे और अपडेट करने के बाद में फिर आप जो है यहाँ से सीटों के लिए लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद में फिर जो थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको सीटें आसानी से वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि सेकेंड और फर्स्ट राउंड में मेरिट बहुत हाई चली जाती है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं उनके कम प्रतिशत होने के कारण उनको कॉलेज अलाट नहीं होता है। तो आप लोगों को जब तीसरे राउंड का रिजल्ट आएगा उससे पहले एक बड़ा अवसर दिया जाएगा, और ये आपको अवसर 30 अगस्त तक मिल जाएगा। जैसा कि इसकी जो अंतिम तिथि बताई गई वो 28/8/2024 है। पहले चरण को अगर हम देखते हैं और सेकेंड चरण को देखते हैं तो ज्यादा गैपिंग नहीं रही रिजल्टों में, तो इस कारण आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट होगा थर्ड राउंड का वो 30 से 30 तक आएगा। उससे पहले आपको करेक्शन का मौका दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन करने के लिए आपको परवेश में जाना होगा, और यहाँ से जाने के बाद अपने फॉर्म को आपको लॉगिन करना होगा। फॉर्म जब लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने के बाद में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करें, ये ओपन किया जाएगा, और ये जो होगा पूरी तरीके से फ्री होगा आपके लिए। यहाँ पर इसमें कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। अभी आप जब खोलते तो लिखा है समेशन हैज बीन क्लोज, यहाँ पर अभी इस टाइम क्लोज चल रहा है। जैसे ही इसमें अपडेट आएगा इसे ओपन कर दिया जाएगा, फिर आप लोग अपने फॉर्म को यहाँ संशोधन कर पाएंगे और आप मनचाहा ट्रेड फिर से सेलेक्ट करेंगे और आप गवर्नमेंट ITI को भी चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर सीटों का ब्यौरा दिया जाएगा, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, तो आप लोगों को सावधानी पूर्वक उन सीटों को देखना है जो सीटें खाली हैं, ताकि आपको आसानी से सीटें मिल पाएं। तो पहले आप जैसे सीटें जारी की जाएं आप उसे चेक कर लें किस ट्रेड में ज़्यादा सीटें हैं, उन्हीं ट्रेडों को आप अधिक से अधिक सेलेक्ट करें, ताकि आप लोगों का एडमिशन 2024-17 में हो पाएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ITI से जुड़ी हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।